14 अगस्त 1947, ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आजाद रहे। अस्सी की दहाई, आजादी के 30 साल बाद, जब पुलिस अफसरान, सियासतदान, बिल्डर लोग, सन्नतकार और फिल्म साज किराए के कातिलों को भत्ता देने और अपने गैर कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल करना शुरू हुए, बाजारे हुसन की तोहफें ताकतवरों के बिस्तर को गर्म करने रात को पहुंच जाया करती थी। बाप के कातिल को मारकर इसकी रूह को सुकून पहुंचाने की बजाय इन्होंने सारे शहर के सुकून को तबाह करके रख दिया। इस दहाई में शुरू होने वाली गैंग वॉर में मेरा भाई और बाप भी मारे गए, लेकिन इन सब के बावजूद एक किरदार को जानने के बाद आज भी आपके गिर्द खौफ के साए मंडलाना शुरू कर देंगे। वो कौन था जिसने इस दहाई में खून रेजी की दास्तान रकम कर दी? वो कौन था जिसने तारीख को हिला कर रख दिया? वो कौन था जिसकी लगाई आग में आधा शहर जलकर राख हो गया? तारीख इसको बाला गाड़ी के नाम से लिखेगी। जानिए कहानी के आगाज को कि ये चिंगारी आखिर लगाई तो लगाई किसने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। नाज़रीन, जो कहानी मैं आपको सुनाने लगा हूँ ना, आज़ादी के 33 साल बाद जो दहाई शुरू होती है ना, 80s की दहाई, यह उस दौर की और उस बर्बरियत, चंगेजियत और खून अरेजी की जो है ना दास्तान है। जो ट्रेंड सेटअप उस वक्त जो है बनना शुरू हुआ, किस तरह से और किस किरदार से, इस कहानी को मैं शुरू करूंगा। इस किरदार का नाम था बालागाड़ी। ये शख्स जो है ना तारीख के अंदर एक इतना मनफी किरदार लिखा जाएगा कि जिसका नाम और कहानी सुनने के बाद आज भी आपके गिर्द जो है ना खौफ के बादल जो है मंडलाना शुरू कर देंगे। इस किरदार को जो है ना शीदी और अच्छू बारला दो भाई थे। इनकी टायल अवाना एक गांव है, वहाँ पे इनकी रहायश थी। इनकी जात जो थी वो मलक अवान थी, और जिस जगह पे इनकी रहायश है ना वहाँ पे एक दफ़ा इत्तफाक से मुझे जाना हुआ और मैंने आज खुद लोगों से वहाँ से मालूमात ली और इनके बारे में जानना चाहा। लोगों ने इनको मनफी किरदार जो है ना वो कहा। मैंने वो सारी बातें जो है नोट की। उस वक्त मेरा अखबार था रोजनामा महाज, और ये क्राइम के हवाले से एक एडिशन था जिसको मैं बनाना चाह रहा था और मैंने बनाया भी था उस वक्त। हर नाज़रीन, आपको मैं जिस बंदे की कहानी सुनाने लगा हूँ ना, ये दो किरदारों के साथ यानी रिलेटेड है, अच्छू बारला और चीदी। इन दोनों बच्चों का ना, ये बच्चे थे उस वक्त ना, अच्छू बारला जो था ना वो चीदी का बड़ा भाई था। उसकी उम्र जो थी वो 17 साल थी, और जो चीदी था ना इसकी उम्र गालबन 15 या 16 साल थी। इनका वालिद जो है ना भगवानपुरा किसी बैंक की ब्रांच में जो है ना बिल जमा करवाने के लिए जाता है, और घात लगाए अफराद जो है ना डबल बैरल 12 बोर की राइफल के साथ फायर करके जो है ना इसके वालिद को हलाक कर देते हैं। अब ये दोनों जो भाई थे बदला लेने की ठान लेते हैं। इनके साथ एक किरदार जिसके उन्वान से मैंने ये कहानी जो है ना लिखी है और आपको सुनाने लगा, उसका नाम था बालागाड़ी। वो इनके साथ मिल जाता है। ये लोग असला और पैसा इकट्ठा करने के लिए जो ट्रैक अडॉप्ट करते हैं ना, वो मौत का रास्ता था। इन लोगों ने क्या किया है, इन्होंने भत्ता यानी जगह टैक्स लेना शुरू कर दिया, लोगों को पैसे लेकर कत्ल करना शुरू कर दिया, और उनकी लाशें जो थी ना दरिया नज़दीक होने की वजह से उनको चीर पाड़ करके जो है ना दरिया के अंदर उनको फेंक देते थे। उनकी बॉडियाँ भी ये लोग नहीं देते थे। इनके ऊपर 250 से ऊपर जो है कत्लों का शुबा जो है पुलिस ने अपनी तफ्तीशों में, और पुलिस वालों ने जो है इनके शफात जो इन्होंने दौरान तफ्तीश किए हैं उनकी रोशनी में ये रिपोर्ट्स तैयार की थी। नाज़रीन, ये जो दौर था ना, ये वो दौर था कि जिस वक्त सुल्तान गाड़ा, चौधरी सदीक, असलम साई, राउफ डोगर, अल्ताफ जगह, ये राय मीर खरल, ये इस तरह के जो थे ना हकनवाज बलोच वगैरह, इस तरह के पुलिस अफसरान जो थे ना, ये एज ए ASI जो थे ना ये भर्ती हुए थे। 80s की दहाई का स्टार्ट था। ज़ाहिर है 10 साल की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उसके बाद इनकी तरक्की भी हुई इन अफसरान की, लेकिन तकरीबन ये उस दौर में ASI थे। एक करेक्टर हैं सैयद मुख्तार हुसैन शाह साहब, बड़े डेड ऑनेस्ट, बड़े दबंग पुलिस ऑफिसर थे। उनसे जो है ना एक तस्वीर मुझे किसी जरिए से आई, तो उन्होंने जो है ना इस किरदार को किसी जगह पर गिरफ्तार किया हुआ था, तो वो तस्वीर भी आप पीछे देख सकते हैं। तो इस तरह ना वो भी उस वक्त गालबन जो था ना ASI थे। तो आप ये देखें कि ये बर्बरियत, चंगेजियत का जो स्टार्ट है ना, ये इन अफराद से
ये जो उजरती कातल और किराए के कातल का लफ्ज जो लिखा जाता है ना, और ये जो हर जुबान पे जदे आम, जिसको 19वीं सदी में शूटर का लकब दे दिया गया, ये वही किराए के कातल थे जिन्होंने इसका आगाज किया। अब इसी दहाई में जो थे ना बड़े अफराद मौत की जो है ना आगोश में जाकर सो गए, वो सारे किराए के कातल थे। उनमें अनू चबेल, सरू चबेल, ये सब राणा मकबूल जो थे ना SSP थे। गुल असगर साहब जो थे एंटी डिकैती स्टाफ किला गुजर सिंह के SP थे, और उनके नीचे राउफ डोगर असलम साहब जो थे ना CIO कोतवाली और किला गुजर सिंह DSP बैठते थे। अब इनके नीचे जो टीम थी ना उनमें चौधरी फिरोज साहब, लाला रोशन, मक्खन खान साहब, उसके अंदर सरफराज शाह, उसके अंदर बड़े बड़े टैके वाले पुलिस अफसरान के जो मन मर्जी के साथ जो है ना तफ्तीश करते थे, कि उनकी तफ्तीश में बड़े अफसरान भी इनको नहीं पूछते थे, पुलिस को फ्री हैंड था। तो ये उस दौर की कहानी जो है ना मैं सुनाने जा रहा हूँ। नाज़रीन, इनके साथ एक वाकया जो है ना मनसूब है कि इन्होंने एक बंदे को अगवा किया, उससे पैसे मांगे, उसने आगे से इनको जवाब दिया कि पैसे दरख्तों में लगे हों। इन्होंने उस बंदे को अगवा करके किसी नामालूम जगह पे पहुंचाया, बेरी के दरख्त के नीचे बैठकर उससे पैसे वसूल किए, और उसके बाद गूंद या लेवी कह लें आप, मंगवा कर धागे के साथ उसको कहा कि इन पैसों की झंडियां बनाओ। उस बेचारे ने, मुगवी ने, उस अगवा कुनिंदा ने जो थे बेचारे ने उठकर वो जो है झंडियाँ बनाई, और उसके बाद उसको इन्होंने दरख्त पे चढ़ाया और उसको कहा कि इसके जो है ना धागे इसको इस तरह से लपेटो कि हर शाख के ऊपर जो है ना नोट जो है लपेटे जाएं। उस बेबस आदमी ने जो इनके कब्जे में था, इनकी बात मानने पे मजबूर था, उसने ऐसा ही किया। और जब वो पैसे उतार कर नीचे फेंकता है तो फिर ये उससे पूछते हैं कि बताओ पैसे दरख्तों को लगते हैं कि नहीं लगते हैं। गुरूर और तकब्बुर जो था ना इनका जो है वो कुदरत देख रही थी। और एक बात आपको ना मैं एंड पे एक बात आपको बताऊंगा, अगर मुझे याद रहे कि मेरा प्रोग्राम फिल्म भी होता है भूल गया तो फिर माफ़ कर दीजिएगा। तो नाज़रीन, इन्होंने जो है ना अपने जो है ना वालद का जो बदला लेकर उसकी रूह को अमन या सुकून पहुंचाने का जो तहिया किया था ना, इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने ट्रैक से उतर कर जो है ना पूरे शहर लाहौर का अमन तबाह और बर्बाद कर दिया। कोई भी ताजर, कोई भी सनतकार, फिल्म प्रोड्यूसर, बिल्डर, कोई भी शख्स जो ताकतवर इनके जानने वाला था, इनके शर या इनकी ताकत या इनके पंचों से जो है ना वो किसी भी सूरत फरारी हासिल नहीं कर सकता था। हर बंदा इनकी गिरफ्त में था और इनका इतना नाम बन चुका हुआ था कि पुलिस जो है नाकों के ऊपर इनका इनकी गाड़ी को देखकर रास्ता दे देती थी। पुलिस अफसर और जो मुलाजमीन होते थे वो जमीन पर लेट जाते थे कहीं हमारे ऊपर फायरिंग ना हो जाए। कत्लो गारत, अगवा बरतावान, भत्ताखोरी और बॉडियों को चीर पाड़ के जो है ना दरियाओं के अंदर दरिया बुर्द कर देना इनका वतीरा था। अब नादरी ने एक वाक्य और आपको सुनाता हूँ, इन्हीं के साथ एक वाक्य मनसूबा है। ग्वाल मंडी का बहुत बड़ा नाम हुआ है मक्खन गुजर, और मेरे शायद इस बात के बताने के बाद गुजर बरदरी में कुछ थोड़ी खौफ या कोई जो है इस तरह के ख्याल हैं कि शायद मैंने ये मन घड़क बात, तो इस बात की तस्दीक जो है ना करने के लिए अफराद आज भी मौजूद हैं। कमेंट बॉक्स में कोई भी आइएगा, मैं आपको बिल्कुल मुतमिन ना कर सका तो अपनी बात को गलत कहूंगा कि ये गलत बात मैंने कह दी थी और मैं आपसे माजरत करूंगा, लेकिन अगर बात ये दुरुस्त हुई तो आप सब तस्लीम कीजिएगा। इन्होंने अपनी ताकत में मक्खन गुजर को जो है ना ग्वालमंडी किसी जगह पर रोक लिया है, और बाला गाड़ी ने अपनी राइफल निकाल कर मक्खन गुजर के ना मुंह के ऊपर वो तान लिया है और उसको कहा है कि तुम बताओ कि मक्खन हो या लस्सी। तो तारीख गवाह है कि मक्खन गुजर के मुंह से ये निकला था कि मैं लस्सी हूं। अब उसके बाद जो है ना बाला गाड़ी को किसी ने ये पूछा गाड़ी में कि अगर वो कह देता कि मैं मक्खन हूं, तो उस शख्स ने उस गाड़ी में बैठे अपने साथ अफराद को ये कहा था कि अगर ये कहता मैं मक्खन हूं तो मैंने इसको रिड़क देना था। यानी कि इतने बड़े ताकतवर आदमी को जो है ना इन्होंने सरे राह जो है बेइज्जत कर दिया। पहले जो कत्लो गारत स्टार्ट हुई है ना उनमें बहुत सारी जो है दुश्मनी इस तरह छोटी छोटी बातों से, यानी किसी की कमीज पीछे से काट दी, ये बड़े बड़े कत्लो गारत की दास्तानों के आगाज हैं। किसी को सरे बाजार जो है बेइज्जत कर दिया, किसी के वालिद या बहन का जो है दुपट्टा खींच लिया, दुश्मनी या कत्लो गारत यहाँ से स्टार्ट होती थी। खैर नाज़रीन, ये जो गैंग था ना इन्होंने जो पुलिस को जो है ना चैलेंज कर रखा था कि कोई भी पुलिस अफसर जो माई का लाल है वो हमें हाथ डाल ले तो हम उसको जो जवाब नहीं देंगे तो हम बार लेंगे। अब नाज़रीन क्या होता है कि उस वक्त जो था ना इनकी बदकिस्मती कह लें कि क्राइम कंट्रोल कमेटी के चेयरमैन शहबाज शरीफ साहब को बना दिया गया, उसके बाद राणा मकबूल साहब SSP जो थे वो ऑपरेशन थे, और गुल असगर साहब के नीचे ये सारी टीम थी। अब होता नाज़रीन क्या है, कुछ लोग ना यहाँ पर ये बात करते हैं, वो कहते हैं कि किसी बड़े ताकतवर सियासतदान ने ना कोई शिया सुन्नी फसाद हुआ था और उसको रोकने के लिए या वहाँ पे जुलूस को मुंतशिर करने के लिए जो है ना वहाँ पे इनका सहारा लिया था, और इन्होंने वहाँ पर मूसलाधार
यानी मैं वो जो है ना, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा, मैं मूसलाधार का लफ्ज कि जिस तरह बारिश होती है, इन्होंने फायरिंग की और 33 के करीब जो अफराद थे ना हाई कोर्ट या माल रोड की बैक साइड पे जो है ना वो कत्ल हो गए थे। और उस वाकया के बाद जो है ना वो जो सियासतदान थे उनको डर पड़ गया कि ये ना हो कि कहीं ये पकड़े जाएं और ये राज जो है फाश हो जाए और हम जो है ना कानून की गिरफ्त में आ जाएं। सबूत को ख़त्म करने के लिए जिस तरह हमेशा से होता आया है इन अफराद के साथ भी वही हुआ। अच्छू बारला और बाला गाड़ी थे, ये दोनों गिरफ्तार हो चुके हुए थे, ये कैंप जेल में थे। और जो छीदी था इसको बाहर शदरा टाउन के इलाके में जो है ना पुलिस ने इन्फॉर्मर की जो है मुखबरी के ऊपर जाके पुलिस मुकाबला करके, और सुना है कि उस मुकाबले में जो है ना किसी कमरे में ये छुप गया था, 5-7 घंटे पुलिस के साथ इसने इनकाउंटर किया है। उसके बाद जो पुलिस वाले हैं उन्होंने छत फाड़ कर जो है ना अंदर से फायरिंग करके इसको यानी हलाक किया था। अखबारात में खबर आई, साथ इसके 7mm की राइफल पड़ी थी, ऊपर अंजुमन की तस्वीर लगी हुई थी, क्योंकि अंजुमन अदाकारा के साथ इसके बहुत ज़्यादा स्कैंडल बने हुए थे। और ये काफ़ी अफराद को जो है इन बातों का पता है कि स्टूडियो में ये अपनी पजारो वाइट कलर की लेकर जो है ना घुस जाता था और अंजुमन अपने सेट से हट कर जो है ना इसकी पजारो के बोनट के ऊपर बैठ जाती थी। ये बात बिल्कुल कंफर्म आपको मैं बता रहा हूँ कि ये पूरे जोरों में इश्तिहारी थे, लेकिन पीछे सियासतदान इतना ताकतवर था कि पुलिस इनको हाथ नहीं डालती थी। नाज़रीन आप ये देखें कि ऐसा मुमकिन था, बिल्कुल ये मुमकिन था। और ये वही अफराद हैं जिन्होंने किराए के कत्लों का ये जो रास्ता है ना लोगों को दिखाया। इनके बाद अन्नू चुबेल, सरू चुबेल, कितने माओ के लाल मुबीन बढ़ता, खालिद चिट्टा, नीचे आ जाए, इन सब लोगों के ऊपर जो है ना इस तरह के लेबल लग गए। हालांकि ये लोग इस तरह के नहीं थे, ये तो इनके पास को भी नहीं थे, जिस तरह के अफराद की मैं कहानी सुना रहा हूँ। है नाज़रीन, ये जो बाला गाड़ी है इसके साथ एक और वाकया मनसूब है। मैं जब इसके इलाके में जाता हूँ तो वहाँ पर मैं एक नाई की दुकान में बैठ जाता हूँ कि यहाँ से खबर जो है ना मिल जाएगी। नाई की उम्र ज़्यादा थी, उसने मुझे पूछा कि आप इनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं। मैंने कहा मैं एक फीचर जो है ना छापना चाह रहा हूँ और मैं जो है ना लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ और ये कितने अफराद को जो है ना मौत की आगोश में सुला चुका है। पास बैठा बाहर थड़े के ऊपर एक बाबा था जो गलियों में झूला सबानी जो है वो चल फिर के जो बच्चों से पैसे जो है लेता था, वो सुन रहा था मेरी बात को, उसको गुस्सा चढ़ा, वो फौरी तौर पर अंदर आया और मुझे आ कहता किसी अल्लाह के बंदे नेक आदमी का कुछ लिखो कि लोग उसको पढ़ें, तुम किन किरदारों को करने लगे हो, यानी वो पंजाबी में मेरे ऊपर टूट पड़ा। मेरे फौरन से उन्होंने बात है कि बाबा को काम की बात करेगा। नाज़रीन अब यकीन करेंगे, मैंने इस बंदे से जब पूछा ना उसने मुझे बताया कि इनका एक दोस्त राजू कमिहार नामी वहाँ पर जो है ना पुलिस मुकाबले में मारा जाता है और ये कुछ दिन के बाद जब टाया लवाना में आते हैं तो बाला गाड़ी यानी इस वाकया में अच्छू और छीदी का नाम उस बाबे ने नहीं लिया। वो कहता है कि जो बाला गाड़ी था उसके साथ दो नामालूम अफराद थे। इन्होंने जो है ना सोचा कि जो कमियार इनके दोस्त की वाइफ जो कमियारन है उसके साथ अफसोस कर रहे थे, उसके घर अफसोस करने जाते हैं और इतने में इनकी नज़र जो है ना उस अपनी भाभी जिसके साथ अफसोस करने जाते हैं उसे पड़ती है और ये सोचते हैं कि अब इसका क्या बनेगा। इन्होंने शराब पी रखी थी और आपस में इन्होंने मशवरा किया है चुक लो। मैंने बाबा से पूछा कि उसके बाद क्या हुआ तो बाबे ने मुझे पता क्या कहा था। बाबे ने मुझे इतना तलख और इतना जो है ना झंझोड़ देने वाला फिक्रा कहा था कि मैं YouTube के ऊपर आपको वो फिक्रा बयान भी नहीं कर सकता। उसने मुझे कहा था कि उसने उन्होंने यहाँ पर रख के जो है ना उसको दरिंदगी का जो है ना निशाना बना दिया, यानी सड़क के ऊपर। आप अंदाजा लगा उस बाबे का लहजा ये बता रहा था, बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि वो बर्बरियत और चंगेजियत की दास्तान रकम कर गए। अब नाज़रीन आप ये देखें कि कैंप जेल के अंदर अच्छू बारला इसके साथ रईस टैंकी जो स्टूडेंट लोग उसको समझते हैं लेकिन वो भी एक मुंह जोर बदमाश था, वो और अच्छू बारला और बाला गाड़ी तीन बैरक के अंदर इनकी गिनती होती थी। आजम खान डिप्टी सुपरिटेंडेंट था। आजम खान ने जो है ना इसको बताया जाता है कि नई जेल में मिट्टी की क्यारी से जो है ना 1 किलो का हेरोइन का पैकेट पकड़ा जाता है। नाज़रीन ये जो वाकया आपको बताने लगा ना ये तारीख में पहला और आखिरी वाकया है, ना इससे पहले और ना 1000 साल के बाद ऐसा वाकया होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब नाज़रीन आप ये देखिए होता क्या है, वो हेरोइन पकड़ने के बाद जो है मलाजा पे आते हैं और मलाजा पे आपको पहले बताया कि चिड़ियाँ पर नहीं मारती, परिंदे उड़ना छोड़ देते हैं। मैंने कभी जिंदगी में मलाजा के ऊपर ये नहीं देखा कि मलाजा नीचे हो रहा और ऊपर परिंदे जो है ना दरख्तों में बोले, परिंदों को भी पता होता है कि नीचे खौफ का आलम है। उस मलाजे के ऊपर अच्छू बारले को लेने के लिए आजम खान के हुक्म पर नंबरदार और जेल की डिशन जाती है। ये लोग जाके हाथ के इशारे से अच्छू बारले को कहते हैं कि तुम्हें खान साहब ने बुलाया। उस बंदे ने टेढ़े हाथों से इनको लिया, बड़े सख्त जुमले जो है जेल की गार्द को जो है उसके साथ उनके हुए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि आपको जाना पड़ेगा। अच्छू बारला बेड़ी को छनकाता, कादिस का छोटा था इसको जो है ना इसे बोधी रखी हुई थी बालों में ना, ये उनके साथ मलाजा पे आता है। और नाज़रीन अब यकीन करके आजम खान वो बंदा है जिसकी मैं कोई 10 से 20 कहानियां आपको सुना चुका हूँ, वो भी बड़ा चंगेज़ खान टाइप आदमी था। उसने इसको देखते ही कहा बारला जी काबू आ गए हो,
ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਊਡਰ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰੰਡੀਖਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਡਾਇਲੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਛੂ ਬਾਹਰ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਂ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥਾਲ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਚੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸਕੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਜ਼ਮਾਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਆ ਔਰ ਵੋ ਬੇੜੀ ਸੇ ਪਕੜ ਕਰ ਇਸਕੋ ਖੈਂਚਤੇ ਹੋਏ ਦੱਸ ਕਿ ਪਾਗਲ ਹਨ ਕਸੂਰੀ ਸੈਲ ਮੇਂ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਤੇ ਹੈਂ। ਇਨਕਾ ਰਾਬਤਾ ਥਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤਾਂ ਥੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਜੋ ਭਾਰੀ ਰਕੂਮ ਲੈ ਕਰ ਜੇਲ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇਨਕੋ ਹੀਰੋਇਨ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਥਾ ਔਰ ਯੇ ਹੀਰੋਇਨ ਜੇਲ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰਈਸ ਟੈਂਕੀ ਕੇ ਬੰਦੇ ਵੇਚਦੇ ਥੇ। ਰਈਸ ਟੈਂਕੀ ਕਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਾਮ ਥਾ, ਲੇਕਿਨ ਵੋ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ ਥਾ, ਉਸਕੀ ਹੀਰੋਇਨ ਅੰਦਰ ਆਤੀ ਤੋ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਦਿੱਤੇ ਥੇ। ये दोनों हांडी वाल थे, रूममेट थे, बाला गाड़ी अच्छू बारला और रईस टैंकी तीन बैरक की 11 नंबर चक्की में नीचे बंद होते थे। ये वही अफराद थे, क्योंकि मैं 93 में अंदर गया हूं, 87 में मर्डर हो चुके हुए थे, 6 साल का गैप था। वही अफराद जो उस वाक्या में मौजूद थे जेल के अंदर, जब हम अंदर जाते हैं वो अफराद अंदर थे और वही कहानी, वो दास्तान उन्होंने मनो ऐन हमें सुनाई। वही नंबरदार जिन्होंने ये सारा वाक्या जाके इनको बुलाया और मुलादे में पेश किया, उन नंबरदारों से हमने ये कहानियां सुनी हैं। तो नाजरीन वहां पे जो है ना, आजम खान ने उसको बंद करवा दिया, मुलाजम ने बाहर जाके पीटीसीएल के फोन से फोन कर दिया और तारीख जो है ना यहां पे लिखी गई है कि छीदी बारला जो था ना, इतना ताकतवर मुंहजोर बदमाश था, उसको किसी अदारे या एजेंसी की परवाह नहीं थी। वो अपने पुश्तपनाई वाले सियासतदान को इतना ताकतवर समझता था कि बड़े से बड़े जुर्म को करने के बाद अफसरान को धमकाता था। उसने G3 लेकर कैंप जेल की बैक साइड पर जो है कोर्ट मौका पर ब्रस्ट मारे, जिसमें से ईंटें गायब हो गईं और आज भी नई ईंटें लगी हुई आपको इस चीज की गवाही देंगे कि ये फायरिंग छीदी बारला ने की थी। तो फायरिंग करने के बाद राजा निसार सुपरिटेंडेंट इनके घर में जाता है, अंधाधुंध फायरिंग करता है और किसी PCO से इनको फोन करता है जेल के नंबर पर। ये राजा निसार को कहता है कि मेरे भाई को खोल दो, वरना मैं तुम्हारे होम सेक्रेटरी की तरफ भी जा रहा हूं। तो भैया ये होम सेक्रेटरी चीफ होता है अदारों का, हर अदारे की सरबराही करने के लिए होम सेक्रेटरी और उसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी होता है। तो उस बंदे ने जब एक सुपरिटेंडेंट को अपने DIG और होम सेक्रेटरी की उसके घर फायरिंग की धमकी सुनकर मजबूर हो गया वो बंदा। उसने क्या किया है नाजरीन, ना इससे पहले और ना इससे बाद 1000 साल तक की गारंटी हम इसे ले लें, ऐसा वाकया कभी रूनुमा नहीं होगा। जेल के इन्हीं अफसरान राजा निसार और आजम खान ने इसको चारपाई देकर जो है ना 10 चक्की पागलखाना कैंप जेल के अंदर एक कसूरी सेल है जहां पे मुहर्रम शाह भी बंद रहा है, उसके अंदर इसको ले जाकर बंद कर देते हैं। और ये वाकया जो है ना फायरिंग का होने के बाद इसको वहां से खोलते हैं लॉकअप के बाद, यानी 7:45 बजे का टाइम था, और इसको चारपाई देकर उन्होंने इसी की छत के ऊपर सुला दिया। ये मुलाजमीन जो जेल के अंदर ड्यूटियाँ कर रहे थे, उन्होंने इस बात को पूर्ण उतार के कन्फर्म कर दिया। अब नाजरे अब ये देखेंगे ये किरदार जो थे कितने खतरनाक थे, इन्होंने कितने अफराद को मौत के घाट उतारा, इन्होंने पैसे भी दरख्तों से जो है लगवा लिए और इन्होंने खौफ और दहशत की ऐसी बर्बरियत और चंगेजियत की दास्तान रकम कर दी कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। इनके प्रोग्राम जो है ना, अगर मैं 10 किस्तें आपको मैं वो भी कर दूंगा आपको, यानी इन्होंने वो दास्तान और वो बर्बरियत और चंगेजियत की दास्तान रकम की हुई है। अच्छा नाजरीन अब आप देखेंगे ये किरदार जो थे ना, इनमें 2 तो चलो भाई हो गए दुश्मनदार, और वो भी कितने बदकिस्मत थे कि आधा लाहौर शहर उन्होंने मार दिया, लेकिन अपने वालिद का असल कातिल जो था जूना पुचड़, जिसने बाबे इल्मे को फायरिंग करके हलाक किया, उसको ये नहीं मार सके। उसको किसने मारा? वो काका नसपटा एक बंदा था। काका नसपटा इसलिए कहते, उसका नाक जो है ना उसको टांके लगे फटा हुआ था, काका नसपटा उसका असल नाम था। और यही मेरे किरदारों की खूबसूरती होती है कि मैं उनको असल नाम जिसमें तिक होती है वही नाम से उनको यानी पुकारता हूँ। और आपको समझ आती है फलां बंदे की बात कर रहा है, उस काका नसपटा ने फरोग अल कचहरी के अंदर जूना पुछड़ जो इनके वालद का असल कातिल था, इनके मरने के बाद अपनी दुश्मनी में मारा। अब ये कहानी नतीजा क्या देती है नाजरीन, जब इनकी मौत छीदी बारला बाहर मर गया, तो अंदर से अच्छू बारला ने जो है मियाँ शहबाज शरीफ जो कि क्राइम कंट्रोल कमेटी के चेयरमैन थे, इनको खत लिखा है, चिट्ठी है, और उसमें उन्होंने ये लिखा है कि हमें बाहर आ लेने दो, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुमने हमारे भाई को जेली पुलिस मुकाबले में मरवाया है। इन चिट्ठियों का मिलना था शहर में, कोहराम बरपा हो गया। और वो ही जो पुलिस के साथ हमेशा जो है वो कहते हैं ना, पिछले दिन एक अफसर ने बहुत कीमती बात कर दी, उसने कहा कि जब मदारी को भूख लगती है तो नाचना जो है बंदरिया को पड़ता है। तो जब इन सियासतदानों के गले में हलक में कोई चीज़ आकर फंसती है ना, तो फिर इसी तरह के इनकाउंटर होते हैं। और ये टर्निंग पॉइंट था, ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये पहले वाकयात में ये मेरा ख्याल ये वाकया शामिल होगा कि किसी फर्द को या अफराद को जेल में से निकाल कर एक पुराने केस की तलबी में बाहर लाकर जेली पुलिस मुकाबले में मार दिया जाए, ये पहला वाकया था। अब नाजिन अब देखें इन चिट्ठियों के बाद जो है ना, राना मकबूल साहब एंटी डिकैती साहब के लिए गुजर सिंह पुलिस को कहते हैं, वो पुराने केस की जो है ना जिमनी लिख कर इसकी तलबी लगवाते हैं और कोर्ट के आर्डरों से उसको जेल लेने चले जाते हैं।
जब इसको लेने के लिए वो जाते हैं तो वो बैरक से आते वक्त लोगों को कह कर आते हैं कि हम शायद अब वापस ना आएं। उनको पता लग गया था कि मौत के बादल जो है ना इनके गिर्द मंडला रहे हैं, इनको ख्वाबों में शायद सो शहबाज शरीफ यानी मियाँ साहब जो थे ना इनके मुँह से एक ही लफज था, इसको ख़त्म कर दो। यानी इतनी जो है ना इसका जाफर खान तो और मैं तो कहूँगा अभी वो वज़ीर आज़म है कि मेरे खिलाफ ही कुछ ना कर दें, तो बड़ा चंगेजियत का जो है ना इनके इनके ऑर्डर के ऊपर सारा अफरा तफरी पुलिस के अंदर जो है ना इन्होंने फैलाई हुई थी। नाज़रीन जब पुलिस इनको लेकर आती है ना तो एक नामालूम मुकाम पर इनको ले जाते हैं और वही पुलिस अफसरान जिनके सामने ये डायलॉग हुए हैं उन्होंने मुझे क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये जो अच्छू बारला था जब इसको पुलिस अफसरान मारने लगे हैं ना तो उन्होंने अपनी राइफल अच्छू की तरफ की और उसे कहा कि अपनी आखिरी ख्वाहिश बताओ। ये बंदा उनके पाँव पकड़ता था और पुलिस अफसरान को कहता था कि मुझे एक दफ़ा माफ़ी दे दो, आइंदा मैं मियाँ शहबाज शरीफ को जाना कभी भी इस तरह की चिट्ठी नहीं और धमकी नहीं दूंगा। लेकिन पुलिस अफसरान को ऊपर से ऑर्डर आ चुके हुए थे यानी इनको किल करना है, मारना है, इनको वापस जेल नहीं भेजना। तो आपको वही मिसाल कि नाचना बांदरी को बढ़ता है, तो वो पुलिस अफसरान जो थे ना उन्होंने उसको मारने से पहले जब ये डायलॉग किया है तो सात बाला गाड़ी भी उसी कमरे में मौजूद था। मुलाजमीन ने बताया कि बाले गाड़ी ने इस शख्स को वहाँ पे जो है ना, हालांकि मैं इस बंदे को नफसियाती मरीज कहता हूँ, यार एक बंदे को मारना तो समझ में आती है लेकिन उसके लाश के टुकड़े करना और उसको पेट फाड़ के जो अदरियाबुर्द करना ये इंसानी दरिंदों का काम होता है। तो ये बाला गाड़ी दरिंदा था और इस शख्स ने जो है ना इसको मैं साइको केस क्यों कहता हूँ कि मौत जो है ना बड़ों को जो है ना उनके छक्के छुड़ा देती है और उनके पसीना जो माथे से गिर रहा होता है ना उसमें खौफ वाज़ह नज़र आ रहा होता है और उस पसीने की स्पीड बताती है कि इंसान के ऊपर मौत की जो है ना दहशत तारी हो चुकी है, इंसान का पसीना नहीं रुकता। तो बाले गाड़ी ने उस वक्त ना अच्छू बारले को एक डायलॉग कहा था कि तुम मुझे ये बताओ कि आज तक तुमने किसी को छोड़ा है, अगर तुमने किसी को छोड़ा तो ये भी तुम्हें छोड़ देंगे, अगर हमने किसी को आज तक नहीं छोड़ा तो इन्होंने हमें भी नहीं छोड़ना। पुलिस वालों ने उसे मार दिया और जब राइफल बाला गाड़ी की तरफ किया तो इस बंदे को इसलिए मैं देनी मरीज कहता हूँ कि ये बंदा जो है ना एबनॉर्मल था, नॉर्मल बंदा इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। इसने पुलिस अफसरान को ये कहा है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी को सिंगल फायर नहीं मारा, तड़फाया नहीं और मुझे मेरा चेहरा बचा कर जो है ना ब्रेस्ट मार दो। तो पुलिस वाले ये कहते हैं कि एकदम पुलिस सत्ते में आ गई थी लेकिन ये बंदा चूँकि नफसियाती मरीज था और ये चीखा है और इसने कहा है कि मुझे मारते क्यों नहीं, अब मुझे बड़ी दर्द हो रही है तुम्हारी ये जो है ना डिले की वजह से। ये बंदा इस तरह जो है ना बेहूदगी का जो है ना एक वो राम जाने बनने की बजाय जो है ना एक अनार की फैला के जो है ना दुनिया से चला गया। इस वजह से मैं इस बंदे को साइको केस कहता हूँ। नाज़रीन आप ये देखें कि ये दहाई थी 80 की, 80 से 90 का जो दौर था ना इसी दहाई में मेरा बाप और भाई दोनों जामे शहादत नोश कर गया मेरे भाई, तो मैं तो यही कहूँगा। तो ये बर्बरियत चंगेजियत की जो है ना दहाई थी, ये टेंट सेटअप जो है ना बन रहा था उजरती कातलों का। आप ये देखें कि उस वक्त जो है ना थानों में एक जीप होती थी या एक टांगा होता था, अगर वो रेड पे चला गया तो उसके वापसी आने का इंतजार करना, उसके बाद कहीं पे पुलिस से रेड करने जाना होता था। पुलिस के पास कुछ भी नहीं था लेकिन आज अगर कोई बचाइए गए कि मैं बाला गाड़ी अच्छू या छीदी बन जाऊँगा तो एक हफ्ते के लिए और वो भी घर में, घर से बाहर अगर आप निकलेंगे ना तो जो पुलिस को साइंसी आलात मिल चुके हुए हैं और जिस तरह की पुलिस जो है हमारे इस शहर में जो है इस वक्त तैनात है और जो अफसरान हमारे शहर में जो है इस वक्त अमन देने के लिए जो है सारी भाग दौड़ को संभाले हैं, उनका जो अहद है और उनकी जो रवायात जिस तरह से उन्होंने लाहौर शहर में जो है नौकरी की है, मैं तो आपको पेशेंगुई कर चुका और आप देख लें किस हद तक वो सच हैं। कोई माई का लाल जो है ना वो इन किरदारों को कॉपी नहीं कर सकता। हालात आपको इजाज़त नहीं देंगे और पुलिस आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।